इसकी है v ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस और इसका कोई भी w सब स्पेस है, w सबसेट है। तो देखो सब स्पेस कब कब हो रहा है, जिस पे मैंने कहा कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन की डिफिनीशन है वही होल्ड करती है, जब तक कोई भी स्पेशल ऑपरेशन मुझे गिवन नहीं था तब तक v का v में जा रहा था तो हम वेक्टर स्पेस कह दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगेन अगर कोई सबसेट होता था w का तो भी हम एक ही बात कर रहे थे lc, अब lc इसका w के मेंबर होंगे तो w के मेंबर में जाए, तो lc अगर v में गया कोई स्पेशल ऑपरेशन, अगर lc w में गया तो भी वेक्टर स्पेस हुआ, दैट इज सब स्पेस हो गया, फिर से सब स्पेस हो गया। अच्छा मेरे पास आज एक रूल सी v इज अ वेक्टर स्पेस और हमारे लिए तो v हमारे पास वेक्टर स्पेस है और इसका कोई भी एक सेट है, से दैट यस आपकी बात सेट है, ओके ये केवल सेट है, ठीक। अच्छा अगर सेट हुआ तो सबसे पहले अगर कोई भी मेंबर हुए और इसमें हमने सबसे पहले कहा v1 v2 dot dot vn n मेंबर हैं, तो जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बने इस सेट के साथ ओवर f के साथ, उनका मैंने एक सेट बनाया और उसको हम आज कहने जा रहे हैं लीनियर स्पॉन। क्या क्या गिवन है, सिंपल एक सेट गिवन है, सेट में मेंबर है और फाइनाइट मेंबर है। सबसे पहले फाइनाइट मेंबर की बात करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि फाइनाइट मेंबर होना चाहिए, एलएस के लिए एस में इनफाइनाइट मेंबर भी हो जाए उनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर स्पॉन कहलाएगा। तो अगर कोई भी वेक्टर स्पेस हुआ उसका कोई एक सबसेट हुआ और उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जा सकते हैं उनका एक सेट बनाया, तो जो सेट बना उसको हम कहेंगे कि दैट इज अ लीनियर स्पॉन। तो क्या क्या गिवन है, एक सेट गिवन है, लेकिन ये सेट अभी वेक्टर स्पेस नहीं है, सिंपल सेट है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रीजन आएंगे वो हम देखेंगे। तो एस हमारे लिए वी वन वी टू वी एन है, पहले हम फाइनाइट सेट लिए ले रहे हैं और उसका सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहले नंबर वन हेडिंग डालते हैं लीनियर स्पॉन, लीनियर स्पॉन। क्या कहेंगे, नाम याद करना है, लेट यस बी द एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ वी, देन सेट ऑफ ऑल लीनियर, सेट ऑफ ऑल लीनियर combination is called linear span, it is denoted by L of S, and here S is any set, that is S or VN member, okay, so say that here is a N member, let S is equal to n member है, then mathematically we will write LS, what is LS, all are linear combination, that means V E I V I I 1 to n all R C I belongs to n, okay, ये set LS निकल आया मेरे लिए, ठीक है, V equal to C I V I I 1 to n and C I belongs to F I 1 to dot dot n, तो सेट हुआ दैट इज कॉल्ड द एलएस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन के लिए, ये अभी सेट कह रहा है कि सेट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सेट है सेट चाहे कुछ भी हो लेकिन जो एलएस निकलेगा दिस इज ऑलवेज सब स्पेस ऑफ वी, ओके। सो नाउ थ्योरम नंबर वन, किसी को इस डिफिनीशन में प्रॉब्लम, फिलहाल ये डिफिनीशन अगर इनफाइनाइट है तो भी इनफाइनाइट है तो भी लिखी जा सकती है, थ्योरम हम इनफाइनाइट पे ही लिखेंगे, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं, ओके नाउ पहला नोट लिखते हैं फिर देखते हैं छोटी छोटी चीजें, नोट लिखो या थ्योरम लिखो, थ्योरम
that S be the subset of V, then linear spawn is a of V. V का सब स्पेस होगा ये हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं तो देखते हैं ओके नाउ S इज इक्वल टू वी वन सो एल एस कैन बी रिटेन एज टू सी एन बी एन फॉर ऑल टू डॉट डॉट एर यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो किसी को कोई डाउट हो मैंने एस लिखा है एंड एल एस लिख दिया मेरा टारगेट क्या है मेरा टारगेट है हमें एल एस को क्या दिखाना है सब स्पेस वी विल सो दैट एल एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी अच्छा मुझे अगर एल एस को सब स्पेस दिखाना है तो क्या क्या दिखाएंगे कौन बताएगा क्या क्या शो करेंगे वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेकिन इसके पहले एक चीज और दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे नॉन एम्प्टी से पहले भी एक चीज दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे सबसेट यस हाँ क्योंकि अभी हमने ये नहीं बताया यस तो सबसेट है अच्छी बात है लेकिन एल एस सबसेट है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता हो सकता बाहर चला जाए बड़ा हो जाए तो सबसे पहला है क्योंकि सबसेट होना जरूरी है तो मुझे यहाँ पे ये सबसे पहले दिखाना पड़ेगा दिस एल एस इज अ सबसेट ऑफ बी तो देखो मेरी टर्मिनोलॉजी क्या होगी सबसे पहले एल एस को हम सबसेट दिखाएंगे सब चीजें सुनो पहले और फिर हम अप्लाई करेंगे ध्यान से देखना क्या क्या हम कह रहे हैं तुम्हारे माइंड में भी जाना चाहिए इसे जब तक नहीं जाएगा तब तक तुम नहीं इसको कर पाओगे ना समझ पाओगे हमें एल एस को सब स्पेस दिखाना है तो सब स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले उस वेक्टर स्पेस का सबसेट होना चाहिए सबसे पहला तुम सबसे पहले सबसेट दिखाएंगे दूसरा एल एस जीरो भी होना नॉट इक्वल टू फाइव होना चाहिए दूसरा दिखाएंगे तीसरा वही लीनियर कॉम्बिनेशन उसमें चला जाए बस सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लीनियर कॉम्बिनेशन दो पार्ट करके दिखाते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और अब मुझे सबसे पहले कौन ये शो करके दिखाएगा कि एल एस इज अ सबसेट ऑफ वी नंबर वन पहला एल ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ वी दैट इज माय क्वेश्चन कैन यू टेल मी यस नाउ टेल मी क्यों है नहीं सर ऐसे लिख देते हैं वो तो हमेशा लिखा जाता है एल एस इज सब स्पेस ऑफ वी तो सर लिख देते हैं ऐसे करके एल एस सब स्पेस ऑफ वी रीजन कौन बताएगा सर रीजन वही सर क्या वही वही तो है वो तो हमें मालूम है वही है क्या वो नहीं नहीं हम बता रहे हाँ क्योंकि सी वन देखिए वी जो उठाए गए हैं वो वेक्टर से उठाए गए पहली बार ठीक और जो सी है वो भी वेक्टर का ही है सी क्या है वी भी वेक्टर में वेक्टर से ही है सी कैसे वेक्टर में सी तो एफ का मेंबर है तो एफ तो ऑलरेडी सी1 सी2 बिलोंग्स टू एफ तो फील्ड है और एफ फील्ड जो फील्ड होती है वो वेक्टर में कंटेन होती है हमेशा वेक्टर फील्ड होती वो कंटेन होती है कैसे वी एफ जो होती वो सब फील्ड होती है एफ वो सी की सब वी की बी की सब फील्ड होती है किसने कहा वाह मैं कुछ भी बता रहा हूं मुझे हाँ तो v of f लिखते हैं नहीं f तो f सब फील्ड कैसे होगा कोई कोई फिर आप हमें ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां पे फील्ड बड़ी हो v से हाँ है जीरो जीरो ले लो सेट और f ले लो r अरे हजारों लाखों अरबों करोड़ों क्वेश्चन ऐसे निकाल देंगे जहां सब पे सब फील्ड नहीं होगी फिर भी वेक्टर स्पेस होगा ये किसने कह दिया कि उसकी सब फील्ड होगी हमेशा This is not a good reason. तो मतलब वो फील्ड बड़ी यूज होती है आप कहने का मतलब तो है तो बता तो रहे हैं क्यों नहीं हो सकती देखो ना वेक्टर स्पेस ले लो जीरो जीरो फील्ड आर ले लो ये सब स्पेस नहीं है क्या है दिखाओ नहीं सब स्पेस है दिस इज अ सब स्पेस जीरो इज अ सब स्पेस व्हाई नॉट जीरो हर एक फील्ड में सब स्पेस है चाहे फील्ड दुनिया की कोई फील्ड उठा लो चाहे फाइनाइट चाहे इनफाइनाइट जीरो इज ऑलवेज सब स्पेस ऑफ एवरी फील्ड
ओवर एवरी फील्ड, जीरो तो बहुत छोटा है, जीरो तो जीरो ही बैठा है, बाद बाकी तो फील्ड बहुत बड़े बड़े फील्ड है। यस हाँ, कौन बताएगा, एनीवन? कैसे कहेंगे सबसेट है? अरे बताओ भाई सर, एलिस के सभी एलिमेंट को वी में दिखा देंगे, किसके? एलिस के एलिमेंट को, ये भी, ये C1V1 प्लस अरे ये C2 तो V2 दिखाएं तो देंगे, बट दिखाएंगे कैसे, क्यों है ये बताओ। ये तो मुझे ही पता है, एलिस के सभी एलिमेंट वी में दिखा देंगे, बट क्यों है? अर्जुन? यस सर। क्यों है? अरे वी के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख जाएगा ना, एलएस का कोई भी एलिमेंट लेंगे, लिख लोगे तो क्यों जब जाएगा? बाकी सारे एलिमेंट के साथ स्केलर जीरो ले लेंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, बी के मेंबर दोनों लिख रहे हैं अभी, हम एलएस दिखाना चाहते हैं। एलएस के जितने भी वेक्टर लिखे होंगे वो सब बी में होंगे, ये बताओ। एलएस जरूरी तो हाँ सी वन सर, सी टू, अरे सी वन सी टू सी एन हमारे सर लिए बन सर बन हुए तो सर देखिए हम बता रहे हैं, देखिए सर, सर एलएस तो लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपल लिखा गया है ना वेक्टर स्पेस का, हाँ वेक्टर स्पेस का और नहीं, B1, B2, BN का। V1 V2 VN वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, तो ठीक, वेक्टर एडिशन तो वैसे भी फॉलो करता है ना हाँ तो वेक्टर ये स्पेस बोलो का। ना, एक्चुअली सिंपल V इज अ वेक्टर स्पेस बिकॉज B1, B2, BN इज अ मेंबर ऑफ द V, और V इज अ वेक्टर स्पेस, कैपिटल V इज अ हाँ वेक्टर वी स्पेस, और कैपिटल V अगर वेक्टर स्पेस है तो हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन चाहे कोई मेंबर उठाओगे वो तो V में जाएगा, कोई प्रॉब्लम, दैट इज नथिंग स्पेशल भाई। वेक्टर स्पेस के द्वारा कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन उठाओगे हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन बी में जाएगा, डेफिनेशन ऑफ, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। बात समझ में यस सर, आई? यस और नो? इसलिए एलएस सबसेट ऑफ बी है, कभी जा ही नहीं सकता बाहर, क्योंकि वेक्टर स्पेस बी है और B1, B2, BN, V के मेंबर है, तो हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो बी के अंदर ही रहेगा। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस तुम्हें बताना चाहिए सर, नथिंग स्पेशल, all are else is going to the v because capital v is a vector space. Okay, number one condition hold. Number two kaise dikhaoge? ls not equal to 5, can you tell me sab reason batao, tum log mind nahi lagate ho bilkul bhi reason. C1 C2 C3 sabhi zero nahi honge, yes at zero least le koi lete na hain, koi are at least kam sab kya, sabhi zero le lo, ulta batate ho yaar tum, C1, हाँ C2, सॉरी CN सॉरी सभी सॉरी जीरो ले लो, जीरो सॉरी कैन बी रिटन एज जीरो जीरो बी हाँ एन, अरे इसके मतलब जीरो होगा इसमें ना, एक एक तो ये दिखाने को मिल जाता है कि आइडेंटिटी भी है, सिग्निफिकेंट हाँ आइडेंटिटी भी है और नॉट इक्वल टू फाइव है, एडिटिव यस यस यस, तो एल एस नॉट इक्वल टू फाइव, बात समझ में आ गई। नंबर यस सर, थर्ड, अब नंबर थर्ड, अब मेरी बात आएगी, किसी भी सबसेट हो गया, एल एस नॉट इक्वल टू फाइव हो गया, अब मेरे पास दो चीजें बची हैं, या एक चीज को कि एलसी चला जाए, कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर एलएस में उठाएं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें फील्ड के मेंबर के साथ, अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन फिर से अगर एलएस में चला जाता है तो पक्का हो जाएगा कि वो वेक्टर सब स्पेस हो गया या वेक्टर स्पेस हो गया, या उसको दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो ही पार्टों में डिवाइड करते हैं, वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट, वेक्टर एडिशन, व्हाट इज वेक्टर एडिशन, नथिंग स्पेशल, पिक अप द टू एलिमेंट ऑफ दैट सबसेट मींस एलएस में, एलएस में दो मेंबर उठाते हैं सिंपली यू और वी और उनको ऐड कर देते हैं, अगर एडिशन के बाद फिर से एलएस में चला जाए तो वेक्टर एडिशन होल्ड करेगा। दूसरा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेक्टर उठाएं एलएस में, एक फील्ड का मेंबर लें, मल्टीप्लाई करें तो फिर से अगर एलएस में चला जाता है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। तो पहले हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, सो वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन नंबर थर्ड, वेक्टर एडिशन हमने कहा दो मेंबर पिकअप करते हैं, करते हैं लेट यू कामा वी। अब तुम्हारे सामने सबसे पहले सर अगर टू तुमने इक्वल टू ये समझ लिया सी वन वी क्या, वन अब वी तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, अरे बी को कहां ले चुके तो हैं, आप इसमें यू कॉमा डब्ल्यू लीजिए फिर। अरे बी कहां ले लिए, वी स्मॉल वी कैपिटल वी था, वो हर जगह कैपिटल वी लिखा है, अच्छा स्मॉल वी ओके इज अ ओके मेंबर ऑफ एल एस। ओके, हाँ अब मेरा क्वेश्चन ठीक है कि अगर तुमने ये समझ लिया, मुझे ध्यान से सुनो हम क्या कह रहे हैं,
अगर तुमने ये समझ लिया कि यू एल एस में है और बी एल एस में है, तो यू कैसा दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, तो कैसा दिखेगा कौन बताएगा? अगर तुमने ये समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया, यू कैसा दिखेगा? सी आई वी आई, सी आई वी आई, सन ई आई वी आई, कैपिटल वी कैसा, स्मॉल वी कैसा दिखेगा? ये भी वैसे ऐसा कोई में सुनना चाहता है, सेम सी आई बी आई या सी आई डब्ल्यू आई या सी आई यू आई या डी आई यू आई, सी आई बी आई होगा क्योंकि वी वन वी टू, तो सी आई बी आई होगा तो दो कैसे होगा, तो एक ही हुआ, तो सी आई नहीं होगा फिर चेंज हो जाएगा। किसको चेंज कौन करेंगे, सी आई चेंज करेंगे या वी आई चेंज करेंगे? सी आई। हाँ अर्जुन, यस सर, क्या चेंज करेंगे? दोनों चेंज कर सकते हैं, वेक्टर हो सकता है, इनसे कम भी ले सकते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं जनरल उठा रहे हैं तो क्या चेंज करेंगे, क्यों नहीं चेंज कर सकते किसी में, हम बाकी एलिमेंट जीरो ले ले वी आई। अरे यार तू पर्टिकुलर थोड़ा ले लोगे, प्रूव कर रहे हो जनरल प्रूव करना है, ठीक है थप्पड़ मारेंगे सही हो जाओगे, कैसे पर्टिकुलर ले लोगे, जनरल प्रूव कर रहे हो, प्रूव करने का मतलब जनरल, जनरल बताओ क्या उठाएंगे, तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी ले लो, है DIVI डी आई वी आई है ना, समेशन सी आई के रिस्पेक्ट में एलिमेंट लिखे हैं तो वी कैन पिक अप डी आई वी आई, बी आई नहीं, कांस्टेंट चेंज होंगे, बात सबके समझ में आई? अगर तुमने, हमने पहले बता दिया, अगर तुमने ये समझ लिया कि यू और बी एल एस में कैसे दिख रहे हैं तो ऐसे दिख रहे हैं लिख लिया, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब यू प्लस बी करना है, तो समेशन डी आई वी आई, समेशन सी आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, अब मुझे ये बताओ क्या ये एल एस में है या नहीं है, और है तो क्यों है, सीआई फील्ड का मेंबर, डीआई फील्ड का मेंबर, सीआई प्लस डीआई इज आल्सो से दैट ईआई इनटू आई 1 to n, सो ईआई इज आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड मेंबर, दैट मींस यू आर गोइंग टू द एलएस, दिस इंप्लाइज एडिशन, बात सबको समझ में आई? यस रमसा, आवाज बंद करके रखा हो, जब क्वेश्चन पूछना तभी ऑन करना, सब लोग आवाज बंद करके बैठो है, जब क्वेश्चन पूछना हो, जब मैं क्वेश्चन करूं तब क्वेश्चन बताना, ओके। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब मैं क्वेश्चन करूं तो तुरंत बताओ, इसे बैठ जाओ यार, कभी फोन इधर उठाते हो, कभी फोन उधर उठाते हो, मुझे भी डिस्टर्ब करते हो, चुपचाप पहले कॉपी रखो पीछे, फोन नहीं रख पाते हो, पहले से ये सब किया करो ना कि पढ़ना है मुझे घंटे डेढ़ घंटे, तो सही से बैठ के पहले फोन को 10 बार तो इधर उधर करते हो। सर हाथ पकड़ लेते हैं ना, हाथ में क्या पकड़ लो, चुपचाप सामने रखो, जब बात करनी हो तब उसको ऑन करो, हाथ पकड़ के पढ़ोगे तो लिखोगे कैसे, ओके। स्केल मल्टीप्लिकेशन सिंपल, एक वेक्टर उठाते हैं लेट, कहां पे यू कैसा दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है सी आई बी आई टाइप का दिख रहा है, आई वन यन है, एंड एक को टू यू करते हैं, तो के इंटू यू करोगे तो दैट इज सी आई इंटू वी आई, अब क्या ये डब्ल्यू में है, आंसर इज यस, बिकॉज सी आई इज अ फील्ड मेंबर, ई आई इज फील्ड मेंबर, के इंटू सी आई इज आल्सो फील्ड मेंबर, तो फिर से चले गए एलएस में, दैट इंप्लाइज तो एलएस सेटिस्फाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस एलएस इज अ सब स्पेस ऑफ वी, ठीक। अब हम तुम्हें ये दिखाते हैं एलएस कैसा दिखेगा, क्योंकि आधे लोगों ने तो अभी नहीं समझ पाया होगा कि वास्तव में क्या किसकी बात हो रही, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बन गया, दिखाते हैं एक एक करके, जरा लिखो और सब हो जाए लिख लेना तो बताना मुझे, सौम्या समझ में आया? यस सर, थोड़ा बता रहे, थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है, पूरा आना चाहिए यार, थोड़ा बहुत कहाँ पे कमी है बताओ, थोड़ा बहुत बोल देते हो, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, अभी बोल के फिर मैं अच्छा फंस ठीक जाती हूँ,
हाँ तो बाद में ठीक अच्छे से पढ़ के फिर बताऊंगी। ठीक लिया सबने। लिख लिया? हाँ सर, यस सर। ओके okay. नाउ क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझते हैं एलएस है क्या वास्तव में। देखो यस हम ये ले रहे हैं, ये किसका सबसेट है? आर स्क्वायर का वेक्टर है हमारे लिए आर स्क्वायर स्क्वायर ये रहा, और वन वन ये वाला एलिमेंट केवल मैंने लिया। ठीक, अब देखो ये क्या करेगा, मैं पूरा फिगर से दिखाते हैं सही से। एक्स एक्स डैश पाई और पाई डैश। ठीक, अच्छा हमने एस सब्स्टिट्यूट लिया, हम इसका एल एस बनाना चाहते हैं। देखिए एल एस दिखेगा कैसा, एल एस हमने तुम्हें ये बताया सेट ऑफ और लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, तो यहाँ पे वन कामा वन, अब यहाँ पे एक ही है तो एक ही रहेगा, दूसरा होता तो बी वन कामा टू लिख देते, फिलहाल एक है तो एक का लिए आर है। पांच समझ में आई, किसी को डाउट? यहाँ पे पहले में एक वेक्टर था, दो होते प्लस बी वन लिखते या सी वन सी टू सी थ्री लिखते, लेकिन ए जो जाएगा फील्ड का मेंबर होगा, वो हमने लिखा पीछे। अच्छा वास्तव में ये क्या हो, ए एक सच ओमाई दैट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब तुम्हें ज्यादा अच्छा दिखेगा इसके मतलब ये क्या हो गया, कोई बताएगा फिगर में क्या दिखेगा? मतलब सर समझेंगे देख तो ये सब स्पेस होगा, लेकिन ये कौन सा सब स्पेस है? वाई इक्वल टू हाँ वाई एक्स इक्वल टू एक्स एक्स, ये समझ मारा। और ये वन वन इससे पास होगा, वन कामा वन ये होगा, तो देखो ये एल एस बन गया। और नाउ एल एस इज सब स्पेस, क्यों प्रूव कर चुके जनरल सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। गॉट इट? यस नहीं था लेकिन एल एस हो गया सब स्पेस, वो हमेशा ही होगा। कोई डाउट जिसको जिसको जहां जहां डाउट होता हो ये सर कैसे होगा वो मुझसे सर, ये पूछो। एक्स कैसे लिया? अरे ए को एक्स लिख दिया अच्छा क्योंकि वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो एक्स वाई जेड, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देते पहले ही, एक्स बिलोंग्स टू आर तो एक्स एक्स आ जाता। ऐसे तुम लोग देखते हो ना हमेशा लिख। ओके बार फिर से बता दीजिए। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे वेक्टर दिया, एक वेक्टर दिया ये बी वन है। ठीक, सिंपल हमें एल एस लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है वेक्टर में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी वेक्टर हो प्लस दूसरा कांस्टेंट लिखो, वेक्टर लिखो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एक ही वेक्टर था तो हमने लिखा ए इंटू सर वन वन। कांस्टेंट की फील्ड एलिमेंट मतलब बात तो एक ही ना। नहीं बात एक ही तो क्या पूछ रहे हो, कंफ्यूजन मम्मी कंफ्यूजन हो गई। क्यों हो गई? दोनों बातें एक ही है, स्केलर है ना, अथवा कांस्टेंट क्या, स्केलर भी सेम थी। ओके और फील्ड का मेंबर सेम हाँ होता है। ओके अच्छा तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, तो ये एल एस बन गया। तो हमें इसको ये दिखाया कि हाँ एल एस हमेशा सब स्पेस होगा। ठीक, ये सब स्पेस हो गया आर स्क्वायर का। बात समझ में आई? सर, ठीक, क्वेश्चन नंबर टू। यस हमारे पास है वन, ठीक ये भी आर स्क्वायर का मेंबर है की बात। ठीक, फिर से देखते हैं, ये है वन कामा जीरो, वन कामा जीरो होगा यहाँ पे यस, और वन कामा टू, वन ये और टू यहाँ का। ठीक, इसका एल एस लिखते हैं। तो देखो एल एस कैसे लिखेंगे, हमने कहा इसमें मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट से, ऊपर से तो फील्ड का मेंबर हमने एक्स वाई ले लिया, कोई हमारी मर्जी हम कैसे लिखना चाहते हैं। एक्स प्लस वाई इनको जोड़ देते हैं, यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, और ये टू वाई हो जाएगा, और एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, एक्स प्लस स्क्वायर लिखा है सीधा, मतलब अब की बार एल एस किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब पूरा आर स्क्वायर जनरेट कर रहा है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में एल एस यस सर। प्रॉपर था, ठीक दूसरे एग्जाम्पल में एल एस आर स्क्वायर के बराबर हो गया। सर ठीक, क्योंकि हम पहले भी कह चुके थे, क्या लिख लिया सबने? यस यस सर। ठीक गुड। नाउ
हम कह रहे हैं नोट वन करना है क्या? इन दोनों एग्जाम्पल से यह पता चला कि एल एस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आर स्क्वायर के बराबर वी के बराबर हो जाए, जनरलाइजेशन में लिखते हैं, ठीक है, कभी वी के बराबर भी हो सकता है, वेक्टर स्पेस है। इफ अगर एल एस वी के बराबर है तो यस जो कहलाएगा देन यस इज अ जनरेटर ऑफ वी, ठीक, जो यस सब्स्टिट्यूट होगा वो वी का जनरेटर कहलाएगा। अगर एल एस बराबर वी के नहीं हुआ तो नहीं कहलाएगा। अगर एल एस वी के पूरे आर स्क्वायर ने जनरेट कर दिया, पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर दिया तो जनरेटर कहलाएगा। जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि इस एस ने पूरे आर स्क्वायर को जनरेट किया, इसके मतलब एस आर स्क्वायर का क्या कहलाएगा? जनरेटर कहलाएगा, जनरेटर, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा की थ्योरी सेम है, वहां पे एलिमेंट जनरेट करता था। अगर किसी को ध्यान हो मॉडर्न अलजेब्रा में, अगर मसी सही से किया हो बिना नकल से, तो ध्यान होगा कि कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं वेक्टर स्पेस ग्रुप से, और वो ग्रुप अगर वो एलिमेंट से जनरेट सेट ए की पावर एन या एन इंटू ए, एन बिलोंग टू इंटीजर, अगर पूरा पूरा ग्रुप फॉर्म कर देता है तो ए एलिमेंट उस सेट का जनरेटर कहलाता है और जी साइक्लिक जनरेटर होता है, ठीक है, तो उसमें साइक्लिक कहने लगते थे तो वहां जनरेटर कहलाते। यहां भी यहां एलिमेंट ना होके सेट है, अगर वो सेट पूरे वी को जनरेट करता है तो वो एस सेट जनरेटर कहलाएगा उस वी का। कोई प्रॉब्लम किसी को नोट वन में? कोई डाउट? सर एक डाउट है। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि ग्रुप में जनरेटर कहते हैं उसको, ठीक है, इसमें भी इसको जनरेटर ही कहेंगे, तो उसको साइक्लिक ग्रुप कहते थे, तो इसको कुछ कहेंगे क्या? नहीं नहीं, बी ए वेक्टर स्पेस है, इसको नहीं साइक्लिक सब स्पेस या वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे। ओके, तो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ एक है कि हमें वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई हमेशा सबसेट मिल जाएगा ऐसा जो पूरे सेट को जनरेट करेगा, जो उसको जनरेट करता हुआ भी, हाँ, कई एक नहीं है, हजारों लाखों और खरबों ऐसे सेट हैं जो पूरे वेक्टर स्पेस को हमेशा जनरेट करेंगे, हमेशा करेंगे करेंगे, क्योंकि बेसिस जनरेट होगी। बेसिस का मतलब ही होता है कि पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना, ठीक है, इसलिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं रखा गया। ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, कुछ ग्रुप में ऐसा होता है कोई एलिमेंट हर एक एलिमेंट का जनरेट ना करे, कोई एलिमेंट ऐसा हो ही ना पूरे सेट में जो जनरेट करे, इसलिए उसको नया नाम रख दिया, इसलिए यहाँ नया नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस किसी ना किसी सेट से जनरेट जरूर होता है। ओके, नोट टू, यस ऑलवेज सबसेट ऑफ एलियस, कोई डाउट? रीजन तुम लोग जरा बताओ, रीजन इसका हर एक मेंबर एलएस में दिखाओ कैसे, व्हाई? सर C1 C2 CN को बोले ले, वन ले, C1 C2 CN सबको बन ले। अरे जैसे एलएस क्या है, एलएस है C1 VY नहीं C1, हाँ तो क्या करें C1 B1, मतलब C1 को बस CI को अगर वन ले रहे कौन, तो V जो वही आएगा ना सेम, तो C किसको वन ले ले पहले, B1 दिखाना है तो कैसे दिखाओगे B1 S में है, LS में है? V1 is a linear combination, can be written as a linear combination of V1 V2, फिर V2 के लिए भी यही का वो सही नहीं बता पा रही, कहे कि हाँ C1 बन ले लो और C2 सभी, C2 C3 CN सभी जीरो ले लो तो B1 दिख जाए, B2 दिखाना है हाँ तो C1 जीरो ले लो, C2 बन ले लो जिसके रिस्पेक्ट में है, पक्का दिखेगा। इसके मतलब हर एक VI चाहे कोई भी VI है वो लिखा जाएगा V2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 × CI 1 × VI, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ये पक्का LS में जाएगा। इसके मतलब हर एक VI LS में जाएगा, इसके मतलब ये सबसेट ऑफ LS, that is only one line proof. कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? समझो, you are a student of the CSR net, okay? So, अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके बैठेंगे और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट पे बैठेंगे, हर चीज समझेंगे क्यों हुआ, हर जगह रीजन देखेंगे, रीजन नहीं देखोगे सेक्शन सी में रोगे, हम नहीं जानते, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो सेक्शन सी नहीं हो पाता अच्छे, उसी दिन सिलेक्शन, ठीक।
20 में से 10 क्वेश्चन जिस दिन सी सेक्शन के सही करोगे उसी दिन तुम सिलेक्ट होगे। इसीलिए हर एक छोटी बात तुम्हें समझनी है क्योंकि वहां मोर देन वन आंसर है। और इस बार वाला पेपर अगर देखा होगा किसी ने, सो टोटल थ्योरी, जिसको थ्योरी अच्छी आती होगी वो क्वेश्चन जरूर कर लेगा, जिसको थ्योरी नहीं आएगी तो नहीं कर पाए। इसलिए थ्योरी पढ़नी पढ़नी है हाल में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मुझे निकालना है नेट, तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अच्छा थर्ड है मेरा कि इफ यस इज अ सब स्पेस, हो सकता है देन एल ऑफ यस यस के बराबर होगा। यहां पे यस चाहे सब स्पेस हो चाहे सेट हो हमेशा सबसेट होगा, ठीक। पहले वाले में हम लिखे दे रहे हैं वेयर एनी सेट चाहे सब स्पेस हो चाहे कुछ भी हो ऑफ वी, लेकिन अब पर्टिकुलर अगर सब स्पेस वी का हुआ तो मुझे ये शो करना है कि एल एस एस के बराबर होगा। अगेन व्हाई थिंक, एक तरफ तो प्रूफ रखा है ऊपर, ये प्रूफ करने की सबसेट ऑफ एल एस कैसे होगा ये रखा है, ओके। दूसरा बताना है, दूसरा क्या बताना है कि एल एस अगर एस का सबसेट कि एल एस इक्वल टू यस होगा, यस अनामिका प्रकाश डाली, हाउ विल प्रूव एल एस सबसेट ऑफ यस, यस हाँ सर, उसका जो वो है क्या कहते हैं फॉर्म उसको उसमें दिखा दे, दिखाते हैं हम लोग हमेशा प्रूविंग कर लेते हैं। तो कैसे कहेंगे एल एस सबसेट ऑफ यस, तुम लोग कॉपी पे लिखे हो ना, क्या सब ये कॉपी पे लिखे हो, लिख लिया है यहाँ तक? हाँ सर, वो जो फॉर्म है एलएस का जिसमें हम लोग लिख रहे हैं तो उसको, हाँ ठीक आओ चर्चा में सबको इन्वॉल्व करते हैं, हाँ बताओ, यस हाउ विल से दैट एलएस सबसेट ऑफ एस, ऑलरेडी वी नो दैट एस सबसेट ऑफ एलएस। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि एल एस भी एस का सबसेट हो जाए तो पक्का होगा, तो क्यों ऐसा है? रीजन बिल्कुल सही बताना है, बिल्कुल कट, तो पक्का कहीं ना कहीं सब स्पेस का तो यूज है क्योंकि सब स्पेस हुआ तभी ऐसा हो रहा। सो हाउ विल यूज द सब स्पेस, यस एनीवन? हाँ आरजी हुआ है, सोच रहे सर, रुक जाइए। ठीक सोचो, दिमाग लगाओ, हम तुम्हें हर हिंट दे रहे हैं लेकिन तुम्हें बताना है रीजन। हम कह रहे हैं कि यस सब स्पेस है तो कहीं ना कहीं सब स्पेस का यूज है, तो वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें, बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। सिंपल कुछ है ही नहीं, एल एस में लिखा क्या है, एल एस में तो यही तो लिखा है समेशन सी आई वी आई, और यही तुम्हें एस में दिखाना है। But we know that yes, sir. because S is already subspace, so pick up the any element of the S, B1, B2, Bn, all the linear combination also going to the S. Nothing special, you can write only S is a subspace, due to subspace. So LS mein likha kya? LS mein to likha hai linear combination. Aur S pahle se subspace hai. To agar B1, B2, Bn agar S mein hai, to humein pata hai ki uska C1, B1 plus C2, B2 plus Cn, Bn bhi S mein hoga, kyun? Due to subspace. Nothing special, सब स्पेस है इसलिए जा रहा है, ओके। तो ही केवल रीजन लिखेंगे ड्यू टू सब स्पेस। समझ में आया सबको? किसी को डाउट हो पूछ लो मेरे से, किसी को डाउट इस लाइन में? सो प्रूव हो गया एलएस सबसेट ऑफ यस, तुम्हें दूसरे वाले में रीजन तुम्हें खुद लिख लो सर, एक बार और बता दीजिए। अच्छा तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो ये करना है ना, सबसे पहले तुम्हें दिखाना क्या है, तुम्हें दिखाना ये है ना एल एस सबसेट ऑफ एस हो जाए, इसका मतलब इसका हर एक मेंबर इसमें चला जाए, ये दिखाना है, यस आर नो? अरे बोलो तुम्हें क्या दिखाना है, हाँ किधर चले गए ना आपका जी सर?
अनामिका पूछ रही थी ना, अनामिका, अरे आवाज ऑन करके बोलो, गायब हो गई। सौम्या तुम्हें समझ में आया? सौम्या भी गायब, मेरी आवाज आ रही? अच्छा अनामिका अभी हो इधर, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके कांचा तुम्हें समझ में आया? हाँ सर आ गया। हम एक बार लिख के भी दिखाते हैं कैसे, इसका हर एक मेंबर इसमें जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई बीएलएस में है, अगर तुमने ये दिखा दिया कि जो बीएलएस में है वो बीएस में भी हो जाए तो एलएस सबसेट ऑफ एस हो जाता है, ये दिखाना ही पड़ता है। तो अगर बीएलएस में है तो वी कैसा दिखेगा? आई वन टू एन, ठीक। अब वी नो दैट, वी नो दैट एस इज अ बी वन बी टू डॉट डॉट वी एन, अगर एस के मेंबर है VI भी S के मेंबर होंगे, इसके मतलब ये तो दिखा है V also belongs to S, VS LS में दिखाया, VS में दिखा दिया, इसके मतलब LS subset of S, got it? Okay, note 2 चल रहा था, ठीक। Now note 3, अरे note 4th, L of S is equal to always L of S for any subset of V. Yes. क्यों? Why? Can you give the reason? LC का फिर से LC निकालेंगे तो सब उतने ही सेट आएंगे, वही सब बनेंगे। एलसी का एलसी निकालेंगे, ठीक। अरे यार सिंपल रीजन, बाय नोट थर्ड, नोट थर्ड ने क्या कहा? अगर एल एस सब स्पेस है तो ये तो सब स्पेस होता ही होता है, पहले प्रूव कर चुके, तो उसका एल किसके बराबर होगा? एल एस के बराबर होगा। नोट 5, इफ कंडीशन लगा देते हैं एस इज अ सब स्पेस, देन एल ऑफ एस इज इक्वल टू एस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे एल ऑफ एस सबसेट है तो क्या हो जाएगा, एल ऑफ एस निकालोगे और एस सब स्पेस है, नोट थर्ड से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि एस सब स्पेस है। तो नोट नंबर 6, एल ऑफ एस फाइनाइट एल एन टाइम्स आंसर एल एस ओके, कोई भी सबसेट ऐसा हो अगर एस यहाँ पे सब स्पेस हो जाएगा तो एस के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? बोलो भाई। सर ये फोर्थ वाला आपने बाय नोट थर्ड कैसे लिख दिया? बाय नोट कैसे थर्ड लिख दिया बेटा आर्ची, वी नो दैट वी इज अ सब स्पेस, ओके। एलएस को अगर थोड़ी देर डब्ल्यू मान एलएस इज अ, तुम अगर हम तुमसे ये कहें कि एल डब्ल्यू किसके बराबर है तो तुम बताओ अगर डब्ल्यू सब स्पेस है तो किसके बराबर होगा? डब्ल्यू बराबर होगा ना, ये तो तीन ने कहा, ठीक है ठीक। अब W को फिर से रख दो आगे पलट के, समझ गए? समझ गए। अरे हटा दिया आपने, ठीक हटा नहीं दिया, आ जाएगा, आ गया। तो जरा लिखो यहां तक, अगर आज समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ओके नाउ नोट 7 लिख लिया सब? नोट नंबर 7 चलते हैं। बोलो
हम वी वेरिएंस था और एस कोई सेट था, ठीक। तो उसका एलएस जो है सब स्पेस मिला, सब स्पेस मिला तो पक्का इससे तो बड़ा ही होगा एलएस, ओके। अब हम ये कहने जा रहे हैं कि अगर ये सब स्पेस है तो इससे बड़े और भी सब स्पेस होंगे, ठीक, जो एस को कंटेन करते कि नहीं, अभी ये नहीं बता, ओके। अगर नहीं, इससे छोटे सब स्पेस भी हो सकते हैं। तो इफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डॉट डॉट डब्ल्यू एन इज अ सब स्पेस कंटेनिंग एस, दैट इज एस इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू एन। अच्छा, अभी एक चीज हम आगे बताएंगे, इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है, हम उसको यूज कर रहे हैं अभी, इसके तुरंत बाद बता देंगे थ्योरम है। सो अगर एस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन में हुआ तो इसका जो एल एस है, सर एस क्या है, एस सबस्पेस है कि सबसेट है? यस, इज एनी सबसेट ऑफ वी, ठीक। अगर एस सबसेट है तो हम ये कह रहे हैं कि जो एल एस है वो भी सबसेट होगा डब्ल्यू टू का, एंड एल एस सबसेट होगा। बताते रहो, पढ़ते रहो, माइंड को बिल्कुल एक तरफा रखो। हमने कहा अगर एस सबसे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन का है एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू ऑल आर सब स्पेस, आई एम सेइंग दैट एल एस इज आल्सो सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन। व्हाई? गिव द रीजन, उल्टा क्यों नहीं हुआ? यस टेल मी, सिंपल है, सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एल एस सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन होगा अगर डब्ल्यू वन सब स्पेस है, तब की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, कौन बताएगा? रीजन रीजन अर्जुन, यस सर, पीछे बैठने से कोई फायदा नहीं, आंसर बताओ। अगर एस सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन है, डब्ल्यू वन सब स्पेस है, तो व्हाई आर सेइंग दैट एलएस सबसेट ऑफ डब्ल्यू वन? व्हाई? अरे सर, सब स्पेस हो या वेक्टर स्पेस हो, एलएस ये सब तो डब्ल्यू वन के अंदर तो आएगा। हां, सिंपल रीजन कि डब्ल्यू वन तो एस सबस्पेस भी हो जाएगा। हां, यस सबस्पेस भी हो जाएगा। क्या बता रहे हो, बताओ, कुछ ही बोलते हो ना? अगर एस 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 को नहीं, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर एस है, एस अगर सबस्पेस भी हो गया, सबसेट अभी तो फिलहाल है, और अगर सबस्पेस भी हो गया तो एल एस जो होगा वो कंटेन तो होगा ना, जब भी अगर अभी जो अभी बात जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, यस सिंपल सर, सबसेट है तो एल एस कैसे हो गया डब्ल्यू वन का सबस्पेस? आकांक्षा, क्योंकि एल एस लिख सकते हैं तो इसके मेंबर कैसे होगा? ड्यू टू सब स्पेस, डिवीजन सब स्पेस, क्योंकि एस अगर एस का हर एक मेंबर डब्ल्यू वन में है तो एस के मेंबर अगर बी वन बी टू बी एन है तो सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू प्लस सी एन बी एन भी डब्ल्यू वन में होंगे। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू वन सब स्पेस है और सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू बी एन सी एन है क्या? एल एस है, एल एस डब्ल्यू वन, इसका मतलब हर एक डब्ल्यू वन में होंगे। अगर सब में एल एस होगा तो एक बात समझ में आई मुझे, क्या पक्का एल एस सब में हो गया तो इनके इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इंटरसेक्शन डॉट डॉट डब्ल्यू एन, बात समझ में आई? तो एक ऐसा सब टू डब्ल्यू एन के बराबर क्वेश्चन है अभी कि इंटरसेक्शन क्या हमेशा सब स्पेस होगा? आंसर इज यस, ओके। वो एल एस इज इसके मतलब लीनियर स्पॉन की सेकेंड डेफिनेशन हम तुम्हारे सामने लिखने वाले हैं। पहले डेफिनेशन लिखी हमने की अगर कोई भी यस अगर सबसेट है, क्या कह रहे हो? सर यहाँ एल एस जो इंटरसेक्शन के इक्वल लिखेंगे कि सबसेट लिखेंगे? इक्वल, ओके, इक्वल होगा कि पूरा सब स्पेस ही फॉर्म करेगा। एल एस समय और एल एस सब स्पेस है, सेट नहीं है, ओके। यहाँ पे सब स्पेस है तो उसके इक्वल ही आएगा। उससे इसके मतलब क्या होगा, सबसे छोटा
लीनियर स्पान सबसे छोटा सब स्पेस है w1 w2 wn में से जो कि s को कंटेन करता हुआ, इसके मतलब इंटरसेक्शन होगा। इसके मतलब लीनियर स्पान इज द सेट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस w1 w2 wn वेयर s इज अ सबसेट ऑफ, लेकिन कंडीशन यही है s इज सबसेट ऑफ w1 इंटरसेक्शन एंड w1 w2 एंड wn। इसके मतलब ls इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस all the subspaces containing w1 w2 wn and contain the s। वहां समझ में आई? तो इसके नीचे लिखते हैं that is, देखो that is linear spawn is a smallest subspace containing s, that is, फिर से लिखते हैं ls is a linear spawn is a intersection of all subspaces, intersection of all subspaces which has containing s, उनका subspace का नहीं, ध्यान देना, हम वही subspace उठाएंगे जितने भी subspace हो सकते हैं जिसमें एस लाई करता हो, उनका अगर इंटरसेक्शन किया जाएगा तो पक्का वो एल एस उसी के बराबर निकलेगा। तो हमें दो डेफिनेशन एल एस की यहां पे मिली, ठीक, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तुम्हें यहीं पे फंसाया जाएगा कहीं भी, है ना, कठिन डेफिनेशन है जिसका कम से कम यूज है, क्योंकि हम जहां भी यूज करेंगे उसको कर लेंगे सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रही सबको? यस आर नो? यस सर। ओके, नाउ थ्योरम एक और लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन की बात की, तो पहले हम ये दिखा देते हैं w2 wn अगर सब स्पेस है, किसी छोटे w1 है w2 है n है, ठीक, n सब स्पेस है, आपकी बात सबसे नहीं है, सो लेट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 डाल लो, कुछ भी डाल लो, लेट w1 are the subspaces of vector space over field F, then intersection of all subspaces also subspace of V। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि finite ही हो, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन जनरल भी लिख देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस इज आल्सो सब स्पेस ऑफ वी, दोनों लिख लेना, है ना, क्योंकि मुझसे बैक मत पूछना, सर आपने फाइनाइट के लिए लिखा दिया, क्या इनफाइनाइट के लिए भी होगा? यस, इनफाइनाइट के लिए भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक। नाउ प्रूफ, वेरी सिंपल, किसको दिखाना है, दिखाना किसको है सब स्पेस, दिखाना किसको है सब स्पेस, किसको दिखाना है, इंटरसेक्शन को, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल wi i 1 टू n, इस फॉर्म में भी लिख के दिखाते हैं, तो दोनों फॉर्म लिख रहे हैं, ये तुम्हारे लिए लिख रहे हैं जिससे तुम्हें समझ में आए, पहली लाइन, ये हम अपने लिए लिख रहे हैं कि जो एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा होगा, एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, और जब ऐसे लिख देगा तुम तो ऐसे पढ़ते रहोगे, पता चलेगा आज नहीं बार n जो है वो फाइनाइट नंबर है, आप इनफिनिटी के लिए भी कह रहे हैं ना, इनफिनिटी जब कह दिए ना कि किसी कलेक्शन के लिए होगा, हम फाइनाइट के लिए प्रूव कर रहे हैं, और कह दिए लिख दिए हैं तो सबके लिए होगा, ठीक, इनफाइनाइट तक कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले w अगर सब स्पेस दिखाना है तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा, फिर से नाउ टेल मी, वन टू वन पॉइंट, फर्स्ट वन क्लोजर, फर्स्ट नॉन एम्प्टी से पहले सबसेट, तो सबसे पहले सबसेट तो हो गई, क्योंकि w1 w2 w3 wn सब सबसेट है, सब स्पेस है, तो उसका इंटरसेक्शन छोटा हुआ तो w तो सब स्पेस सबसेट हो गई होगा। नॉन एम्प्टी के लिए क्या करें, बिकॉज़ वी नो दैट, सुनो सब, लिखना बैठ के, एक एक डेफिनेशन सुनो क्या क्या करने वाले हैं, दूसरा दिखाएंगे नॉन एम्प्टी, सो हाउ विल शो दैट नॉन एम्प्टी, लिसन वेरी केयरफुल,
जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू. क्यों? व्हाई? बिकॉज डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री एंड सो ऑन डब्ल्यू एन आर ऑल सब स्पेसेस. अगर सब स्पेस है तो सब में आइडेंटिटी जरूर होगी. आइडेंटिटी जरूर होगी मतलब जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू एंड सो ऑन, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू एन. दैट इंप्लाइज जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू एन. दैट मीन जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जिसे हमने डब्ल्यू माना तो डब्ल्यू बिलोंग करेगा. ठीक. नंबर नेक्स्ट दिखाना है मुझे वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो वेक्टर एडिशन के लिए सिंपल जिस सेट को मुझे दिखाना पड़ता है कि वो सब स्पेस है, सब स्पेस है उसमें दो एलिमेंट मान लेते हैं. मान लेते हैं कि दो एलिमेंट उसमें बैठे हैं यू एंड वी. यू एंड वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू एन. अच्छा अगर यू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन होगा तो यू सम में हो क्योंकि इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन मीनिंग क्या होती है? कोई एलिमेंट हमने अगर उठाया उसमें इंटरसेक्शन में तो इंटरसेक्शन की मीनिंग ही है कि वो मेंबर हर एक सेट में बैठा हो. तो अगर यू डब्ल्यू वन में होगा, डब्ल्यू टू में होगा, यू डब्ल्यू एन में अलग अलग होगा. अगर अलग अलग होगा तो वी भी अलग अलग होगा. वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू एन. तो यू कामा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, यू कामा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, यू कामा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू एन. बट वी नो दैट All are subspaces of factor space V. So that implies C1 V1 plus C2 V2 belongs to W1 because W1 subspace, comma C2 C1 V1 C1 U plus C2 V belongs to W2. Similar belong करेंगे Wn तक. तो अगर सब में belong कर रहे हैं तो C1 U plus C2 V also belongs to W1 intersection W2 intersection W1. First target finish. एक हो गया vector addition. हम पूरा कर दिए, हम scalar के साथ कर दिए, तो vector space यानी subspace हो गया. That means कोई भी collection अगर किसी भी subspaces का collection होता है, उस collection का अगर intersection ले लिया जाए, तो वो भी subspace होगा. लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो कलेक्शन लिया वो एल एस के बराबर होगा किसी ना किसी के. नहीं, एल एस के तभी बराबर होगा. नोट सेवन ये नहीं कहता है, नहीं तो नोट सेवन पढ़ो भाई, थ्योरम तुरंत पढ़ा दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इंटरसेक्शन कर दिया तो एल एस के बराबर हो गया. नहीं, एल एस उसी के इंटरसेक्शन का है, सबका नहीं. डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू एन उन सभी के इंटरसेक्शन के एल एस बराबर है जो डब्ल्यू वन एस को कंटेन कर रहे हैं. यस सब्स्टिट्यूट होना चाहिए W1 में, यस सब्स्टिट्यूट होना चाहिए W2 में. ऐसे मान लिया हमने तीन वेक्टर हैं, तीन सब स्पेस हैं, तो उनका अगर इंटरसेक्शन किया सभी का तो LS के बराबर होगा. ऐसा नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, एक बात और सुन लो कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सर W1 W2 दो वेक्टर स्पेस सब स्पेस उठा लिए जो S को कंटेन करते हैं तो उनका LS क्या इंटरसेक्शन के बराबर होगा? नहीं, हमने ये नहीं कहा. हमने कहा जितने भी सब स्पेसेस हैं, अगर वहां नहीं लिखा हो तो लिख लेना, जितने भी सब स्पेस ऐसे V के मिलेंगे जिसमें S कंटेन करता हुआ उनका इंटरसेक्शन LS के बराबर है. अब ऐसा मत सोच ले हमने काम W1 W2 है दो उनका इंटरसेक्शन कर दो और W1 W2 में S बैठा है तो उनका इंटरसेक्शन LS के बराबर होगा. नहीं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ये नहीं. हमारा क्वेश्चन है कि जितने भी सब स्पेस पॉसिबल है W में और V में जो S को कंटेन करते हो तो उन सभी का LS, उन सभी का इंटरसेक्शन LS के बराबर है. Yes, मतलब LS is the set of all intersection. LS is a linear combination is the intersection of all subspaces. लिखा मैंने. Very important is all subspaces. All subspaces of W such that S is a subspace, a subset of W. हाँ, ऐसा मत सोच लेना एक ले लिया तो यार एक के बराबर होगा. नहीं, जितने possible हैं, जितने ढूंढ सको, जितने होंगे उसमें, तब उसका intersection LS के बराबर है. Got it? कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? अरे बोलो भाई. नहीं सर, ये जो थ्योरम लिखवाई है वो तो केवल यही है ना, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसेस इज आल्सो सब स्पेस ऑफ वी. हां, ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, इसका कोई उससे रिलेशन रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये उससे रिलेट नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट व्यू है इसका, डिफरेंट वे है. मतलब हमने उसके बाद लिखाई तो हम इसीलिए बता दिए कि उसका असली मीनिंग नहीं है कि कहीं भी W1 W2 WN इंटरसेक्शन कर दिया तो सब स्पेस के बराबर हो गया. नहीं, मेरा कहना बिल्कुल नहीं. ठीक
ठीक है, got it? Okay, now हमारे लिए एक क्वेश्चन है जिसका मुझे एलएस निकालना है. वेट फॉर वन मिनट. एस इज इक्वल टू 11 or 22 फाइंड एलएस. ओके, और ये बताओ क्या एलएस आर स्क्वायर के बराबर है? क्वेश्चन मार्क. नाउ टेल मी, हाँ क्या बराबर है? नहीं है. एलएस निकला क्या ऐसे? वास्तव में क्या है ये? वही है पहले वाला एक्स एक्स. ओके, इसको ये कह दो यही वाला है. दोनों मेंबर तो जाने ही जाने चाहिए. सबसेट होगा एलएस का तो पास होने ही चाहिए. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? हाँ बोलो भाई.